आदाब में मुजम्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। पूर्वांचल महापंचायत के उम्मीदवार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से उम्मीदवार चंद्रमणि ने अपना नाम वापस ले लिया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। वो जो है वीआईपी को यहाँ समर्थन दे रहे हैं। चंद्रमणि का कहना है कि पार्टी लेवल पर यानी जदयू की तरफ से उनको आला अधिकारियों से यानी लीडरों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप संगठन में बने हुए हैं जिसकी वजह से आपको जो है पार्टी में बने रहना है। कुछ वादे किए गए हैं चंद्रमणि से आला अधिकारियों की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिसकी वजह से वो अपना नाम ले लिया है। वो बागी तेवर अपनाए हुए थे, ये सीट जो जदयू सीट थी तो इस बार बीजेपी में चली गई और बीजेपी ने भी वीआईपी को ये सीट दे दिया था। सिमरी बख्तियारपुर यहाँ से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जेडीयू में भी फूट देखने को मिल रहा था। उसके अलावा जो है बीजेपी में भी फूट देखने को मिल रहा था। जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो लोग काफ़ी नाराज थे वीआईपी को सीट जाने की वजह से, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग दलों से, कई लोग निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं, जो जिसके को समझाने के लिए पार्टी लेवल पर बात करने के लिए आला लीडरों ने कमान संभाला है। और सिमरी बख्तियारपुर के जो निर्दलीय या किसी छोटे दल से जो नॉमिनेशन किए उनसे बात करके समझा बुझा करके उनको जो है नॉमिनेशन वापस ले कराया जा रहा है। इससे सीधा फायदा मुकेश सहनी यानी वीआईपी को पहुंचेगा। उनका वोट जो है एनडीए खेमे का वोट जो है इकट्ठा होकर के उनको पड़ेगा, नहीं तो सिमरी बख्तियारपुर का वोट बिखरता नजर आ रहा था। वहीं इससे लालटेन की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, यानी आरजेडी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन की परेशानी सिमरी बख्तियारपुर में बढ़ती नजर आ रही है। और आपको मिला है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब पटना से यहाँ आए तो लोगों का प्रेशर मिला कि मिला घर क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। इस आधार पर हमने ये निर्णय लिया कि पार्टी नहीं दिया चुनाव और पार्टी का यहाँ से सीट खत्म हो गया, हमको चुनाव लड़ना चाहिए। इसी आधार पर हमने अपना नामांकन पेश किया। उसमें हम तमाम अपने साथी को घूम के जानकारी देके जो भी हमारे साथ नामांकन में गए, मैं उन सभी साथियों का, मैं अपने पुणे गार्जियन का, मैं अपने सभी युवा साथी का, छोटे भाई का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका ये आशीर्वाद, ये मैं उनका वचन दिया हुआ है और उनके द्वारा जो मुझे सहयोग अपनी बेस्तिंती समय निकाल के मेरे नामांकन में गए और मुझे सहयोग किया, मैं उसका बहुत बहुत दिल से आभार हूँ। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समस्या यहाँ पर ये आ गई हमारे बीच, हम इलेक्शन लड़े तो निश्चित ये है अपना विश्वास कि मैं जीतूं या ना जीतूं लेकिन मेरा एनडीए कैबिनेट जरूर हार जाए। इसलिए कि इस बात की जानकारी हमारे प्रदेश को भी थी कि चंद्रमणि जी का लड़ना सिमरी बख्तियारपुर के लिए एनडीए कैबिनेट के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए हमें परसों रात से बहुत प्रेशर था। कल शाम में हमको माननीय राजा सराफ जी के द्वारा लेटर वहां से भेजा गया, आपसे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी निर्देशित आपको करती है कि आप पार्टी हित में आके आप अपना नामांकन वापस लीजिए और एनडीए कार्यकर्ता को वहाँ पर सुनिश्चित करिए। ये चिट्ठी वहाँ पर आया जो मैं सभी पत्रकार बंदी को दूंगा। इस प्रकार मैं आपके बीच अपनी व्यथा को रखा, क्योंकि जो परेशानी हम लोग झेल रहे थे और अन्य लोगों का भी सुझाव दूर दराज से जो आ रहा था, ये रुझान जरूर था उसमें कि सर अगर देख लीजिए हमको अगर कन्फर्म नहीं हो पाते हैं तो सर एनडीए को मदद किया जाए और एनडीए सीट यहाँ से निकले, इसकी हम लोग पूरी और व्यवस्था करें। तो जब हम अगर चुनाव लड़ते हैं और उसमें पूरी सहभागिता, चुनाव कोई भी नेता नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता के बात को हम काट के चुनाव लड़ना हम उचित नहीं समझ पा रहे। इसीलिए कि ये हम लोग फिर आपस में बैठ के, जो हम लोग की कोर कमेटी थी उस कोर कमेटी में ये बैठक निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अब चुनाव में जाना और जो ऊपर से पार्टी का प्रेशर है उसको दरकिनार करके चुनाव में जाना ये उचित नहीं होगा। एक मौका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी आए हैं तो उसको दिया जाए, फिर नेक्स्ट हम लोग उनसे हो या उनसे कह के या जिस भी हमने तो जो दिया है इनको बिना कोई शर्त का हमारे सामने मिलने के लिए हमसे
संतोष सहनी जी और उमेश सभा यहीं बैठ के लगभग दो तीन घंटा हम लोग बैठ के बातचीत किए। दिनेश निषाद जी भी थे, मोदी जी भी थे और हम लोग थे, संदीप बाबू थे, विवेक जी थे, मनोज बाबू थे। ये बात लगातार यहाँ पर दो तीन घंटा चर्चा चला, उसमें ये लोगों का कहना हुआ कि ना इस तरह से हम लोग को भी काफ़ी प्रेशर है। और वहाँ पर संतोष सहनी बाबू को भी प्रदेश से मेरा डिटेल्स, मेरा पोर्टफोलियो, नाम, फोटो सब दिया गया कि आप उसे कंसल्ट करिए, बात करिए। पार्टी भी पर से प्रेस बना रही है कि चतुर्वेदी के बना वापस ले लें। इसी आधार पर ये लोग मिलने भी आए थे, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर अंत में ये निर्णय आप लोगों के मत के द्वारा, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आदेश पर मैं ये निर्णय लिया हूँ कि आज मैं अपना नामांकन, लास्ट डेट है, मैं अपना नामांकन अपने पार्टी के द्वारा से दिया गया, मैं उसको वापस लेता हूँ। और हमारी, हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी पूरे क्षेत्र में, संजीव बाबू है, विवेक अवैर, मनोज अवैर, अदर भाई जो भी हमारे यहाँ से भी सम्मानित हमारे साथी बटे हुए हैं, सभी का सहयोग यहाँ के भारतीय उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी को होगा। इसमें आप लोगों की सहभागिता, आपकी सहमति चाहिए और हम लोग उसी तरह से जिस तरह आप हमको सहयोग कर रहे थे, हमको आशीर्वाद दे रहे थे, उसी सहयोग आशीर्वाद से आप हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी को सपोर्ट करके हमको जिताएंगे। और ये मैं पुनः आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप लोगों का नमन करता हूँ, आपको सौ